चैनल में सबको स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, आज आप लोग के साथ शेयर करेंगे क्या कारण हो सकता है जिससे पावर कार में आग लग सकता है, एंड ये भी शेयर करेंगे सेफली पावर कार में कैसे सफर किया जा सकता है। ब्रेक शू और पैड जब डिस्क और ड्रम के साथ कांटेक्ट रहता है ब्रेक रिलीज के बाद भी, तब वो होता है ब्रेक बाइंडिंग। ये ब्रेक बाइंडिंग से आग फ्लेम प्रोड्यूस होता है। पावर कार की अंडर फ्रेम में है डीजल टैंक, सो ये फ्लेम डेंजरसली स्प्रेड हो सकता है टैंक, पाइपलाइन एंड वाल्व में कोई लीकेज के कारण। इसीलिए टैंक, पाइपलाइन एंड वाल्व की लीकेज चेक करना बहुत जरूरी है। यार्ड में रेगुलर बेसिस ये ध्यान देना चाहिए। पावर कार के अंदर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट एंड लूज योर टर्मिनल से फायरिंग हो सकता है। मेकिंग एंड ब्रेकिंग के समय पावर कॉन्ट्रैक्टर से फायरिंग हो सकता है, सो रेगुलर बेसिस इलेक्ट्रिक वायर इंसुलेशन चेक करना चाहिए, वायर टर्मिनल टाइटनेस चेक करना चाहिए, पावर कॉन्ट्रैक्टर की मेल एंड फीमेल कॉन्टैक्ट के बीच में गैप एंड कंडीशन चेक करना चाहिए, डीजल इंजन चेंबर नेट एंड क्लीन रखना चाहिए, डीजल इनकमिंग एंड रिटर्निंग होस में कोई लीकेज नहीं रहना चाहिए, क्योंकि छोटा मोटा फायरिंग डीजल के कारण बड़ा हो सकता है। रनिंग इंजन कूलेंट टेम्परेचर समय समय चेक करना चाहिए, मतलब स्कॉटिंग स्टाफ को अलर्ट होना बहुत जरूरी है। बारी बारी में स्टाफ लोगों को रेस्ट लेना चाहिए, मतलब फास्ट 6 घंटा कोई स्टाफ रेस्ट लेगा, उस टाइम दूसरा स्टाफ अलर्ट रहेगा, फिर नेक्स्ट 6 घंटा रेस्ट किया हुआ स्टाफ अलर्ट रहेगा, एंड ऐसे चलते रहेगा। पावर कार के अंदर स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बर्निंग स्मोकिंग पार्टिकल से भयंकर आग लग सकता है। फाइनली स्कॉटिंग स्टाफ को ये सोचना चाहिए उसके ऊपर ट्रेन की सभी पैसेंजर की लाइफ जुड़े हुए हैं, सो इंटॉक्सिकेशन कंडीशन में कभी भी नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, आज यही ख़त्म कर रहा हूँ। दूसरा दिन और एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक खुश रहिए, एंड चैनल में पहले बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।